कन्नौज जिले के चिब्रमो कोतवाली क्षेत्र में पीपल चौराहे के पास स्थित बीजानाथ मंदिर में एक विशेष समुदाय का एक शख्स अचानक मंदिर में घुस गया और वहां मौजूद नंदी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही वह अन्य मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा, तब तक मंदिर के पुजारी रामकिशोर मिश्रा के उस पर नजर पड़ गयी और जब मंदिर के पुजारी ने उसको रोकने की कोशिश की तो वह उनसे भी भिड़ गया। बताते चले, शोरगुल सुनकर वहां लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने उस शख्स को पकड़कर बैठा लिया और पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और पकड़े गए अधेड़ उम्र के शख्स को कस्टडी में लेकर कोतवाली ले आई, जहां उसे मामले की पूछताछ की जा रही है। जैसे इस घटना की जानकारी लोगों को हुई तो बड़ी संख्या में लोग मंदिर के बाहर जमा हो गए, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए हंगामा कर लोगों को शांत कराया। कन्नौज शिवरामऊ से ज्ञानेन्द्र दुबे की रिपोर्ट। इसलिए हम लोग, हमारी मांगे पूरी हुई है। पीपल चौराहे पर साई मंदिर पर मुस्लिम समुदाय के युवक द्वारा मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, क्या मामला था? देखिए, वो तो पहले युवक तो है नहीं, जो वीडियो मिला है युवक नहीं है, वो अधेड़ उम्र का आदमी है। तो वहाँ जो भी उन्होंने घटना किया है तो पब्लिक के तरफ, पब्लिक ने उनको पकड़ लिया, पब्लिक ने उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जो वहाँ के लोगों ने एक तहरीर दिया है, तहरीर में जितने जो भी उन्होंने लिखी तहरीर दिया उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो भी आरोपी लोग हैं वो हिरासत में हैं, उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ में इसमें विवेचनोपरांत जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे, तो यदि जो आवश्यकता पड़ती है तो इसमें जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो भी कार्रवाई इसमें की जाएगी।